हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो एक दो प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, उसके बेसिक आइडिया देने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम इफ देन एल्स जो कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है उसको हम यूटिलाइज करके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स है उसको हम ईजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर जैसे हम इफ देन एल्स से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ये प्रोग्राम जरूर बनाते हैं कि किसी दो नंबर में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। अगर हम ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करते हैं तो दो के बीच में कैसे होता है, बहुत इजी वे में होता है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो तीन वाले जो हमारे पास नंबर है तो वो तो हम बनाते ही है बना, तो दो और तीन। अगर सपोज कर लो तीन से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर है तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ या नेस्टेड इफ का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है उसको हम किस तरह से इजी वे में इफ एल्स का यूज़ करके हम फोर नंबर में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर मोर देन थ्री नंबर्स है तो उन थ्री नंबर्स के बीच में अगर हम जैसे फोर नंबर्स है फाइव नंबर्स है तो अगर इनके बीच में अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हम एरे के कंसेप्ट को पहले जानना जरूरी रहता है और उसके बाद जो होता है उससे रिलेटेड जो भी है उसको हम फॉर लूप या फिर लूप स्टेटमेंट का यूज़ करके ईजी वे में हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको ये नहीं पता है कि एरे क्या होता है, लूप क्या होता है। तो विदाउट यूजिंग एरे, विदाउट यूजिंग लूप, हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग मोर देन थ्री नंबर्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको इफ देन एल्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जो ऊपर इंफॉर्मेशन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक पढ़ने के बाद देखने के बाद अगर समझ में आता है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं सी लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि दो नंबर में ग्रेटर नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें कि दो नंबर के बीच में हम ग्रेटर नंबर कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए एंड बी, फिर क्लियर स्क्रीन के थ्रू हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंटर टू नंबर्स, ये मैसेज आएगा। उसके बाद जो होता है हम ए और बी को एम्परसेंड साइन के थ्रू स्कैन करके लिखेंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जब भी आप स्कैन में यूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पसंदी पसंदी, तो दो पसंदी के बीच में कोई भी स्पेस या कॉमा आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गलत तरीके से इंटरप्रेट होता है और उसको इनपुट करते समय प्रॉब्लम आता है और आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो उस चीज को तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोनों इनपुट होने के बाद यहाँ पे सिंपल जो इफ स्टेटमेंट है उसका यूज किया गया है कि इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर इफ करेक्ट हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकेंड वाला स्टेटमेंट। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी के लिए ही आएगा, तो हमारा जो मेन मोटिव है कि ग्रेटर फाइंड आउट करना, लेसर नहीं। तो ग्रेटर फाइंड आउट करना है हमारे पास, तो हमेशा हम ग्रेटर देन साइन का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या अगर हम लेस देन साइन यूज करेंगे तो क्या हमारा ये प्रोग्राम लेस देन साइन का यूज करके नहीं बना सकते, तो वो भी बना सकते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। तो पहले देख लीजिए कि हमारा जो मेन मोटिव है ग्रेटर निकालना है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, यानी जो ग्रेटर देन का साइन है उसका यूज करेंगे। तो ये जैसे ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो सिंपल मैसेज प्रिंट होगा द ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी और यहाँ ए, और उसी तरह से सेकंड ये हम करेंगे। तो उसके बाद अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं। तो जैसे मैं इसको रन किया तो दो नंबर डिमांड कर रहा था, दो नंबर में मैं इस तरह से इनपुट दिया तो इसमें से उसने दो नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि अगर डिबग करना चाहते, मैं डिबग करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वो मैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में आपको डिबग करने का तरीका बताऊंगा। तो ये हो गया। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं लेस देन साइन यूज करूंगा तो क्या होगा, लेकिन कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो साइन अगर आप बदल देते हैं तो इस तरफ आपको देखना है कि यहाँ बी के लिए हमारा मेन मोटिव है कि ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर ए इज लेस देन बी हो रहा है
है तो इसका मतलब है कि आप उल्टा लिखेंगे इसका जस्ट, यानी जो चीज आपने उल्टा कर दिया यानी जो पहले था उसका जस्ट उल्टा किया, तो यहां भी आप इसको स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने से क्या होगा ये, और उसके बाद क्या होगा ये, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि ए इज लेस देन मतलब है कि बी बड़ा है, तो ए इज लेस देन बी के लिए होगा बी बड़ा हो गया, तो बी बड़ा हो गया तो इसका मतलब है अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो बी के लिए हम प्रिंट करेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप साइन चेंज करते हैं यानी जो रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन को अगर लेस देन करते हैं तो जो वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो इसको चेक करके देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं। जैसे मैं इसको चेक करता हूं, अगेन मैं 12 एंड 5 देता हूं, 5 देने के बाद देखते हैं आंसर सही आ रहा है। तो ये हमारे बहुत सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि हम ग्रेटर देन साइन यानी दो नंबर के बीच में ग्रेटर का यूज कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि ये बता रहा है कि अगर तीन नंबर है तो तीन नंबर के बीच में ग्रेटर देन कैसे यूज करेंगे। जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं इसमें कि तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो ये प्रोग्राम जनरली हम प्रीवियस वाला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम हमेशा बनाते हैं, हर कोई बनाता है, ये बहुत ईजी होता है और इसमें हम जब इफ का और एल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे लिए इजी पड़ता है। और ये हर कोई इस प्रोग्राम को डेफिनेटली जब प्रोग्रामिंग सीखता है सी लैंग्वेज या कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग तो ये जो दो प्रोग्राम है उसको तो बनाता ही है। मैं एक और प्रोग्राम है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैं इसको यूज करता हूं, इसको बनाता हूं, तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो इसको बनाने से इसमें तीन मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद तीन को लिया, उसके बाद यहां पे जो होता है ये हमारा दो ब्लॉक्स है यानी ये दो ब्लॉक को मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूं। और ये जैसे पहला ब्लॉक है और ये हो गया हमारा दूसरा ब्लॉक, ठीक है, सॉरी ये पहला ब्लॉक हो गया, अब ये हो गया दूसरा, यानी दो इफ हमने लिया है और एक इफ लिया है। तो हमारे पास एक्चुअली ये नेस्टेड इफ बोलते हैं, यानी एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पहला इफ है और उसके बाद हमने दूसरा इफ लिया है तो ये नेस्टेड इफ कहलाता है। तो नेस्टेड इफ को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं यहां देख सकते हैं, तो जो आउटर इफ है और ये इनर इफ हो गया, तो आउटर इफ को मैंने ब्लॉक बना दिया, तो आउटर इफ का ये एल्स पार्ट है और ये एल्स पार्ट होता है। तो इफ देन एल्स के बारे में तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेंशन कर ही दिया था कि आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसको आपको समझ में आ गया कि इफ और एल्स का जो नेस्टेड इफ कैसे काम करता है वो चीज। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, और कंपेरिजन होने के बाद जैसे ए अगर ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब है बी का काम खत्म, यानी अब बी का कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ए बड़ा हो गया, अब ए का सी के साथ कंपैरिजन बच जाता है। तो यहां पे हम उसके बाद नेक्स्ट जो नेस्टेड है जैसे ही वो इस ब्लॉक में आ जाता है तो अब ए सी से कंपेयर करता है, ए और सी से कंपैरिजन में अगर ए ग्रेटर हुआ तो हम ए को प्रिंट कर देते हैं और सपोज कर लो ए लेसर हुआ तो ये सी को। तो इस तरह से हम किस तरह से फिल्टर आउट कर रहे हैं, पहले ए को बी के साथ कंपेयर करके बी को फिल्टर कर दिया हमने, हटा दिया, फिर ए को सी के साथ कंपेयर करके फिर फाइनलाइज हो गया। तो ये हो गया दो। अब सपोज कर लो तीन के बाद अगर चौथा नंबर होता तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ जाएगी, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो जैसे ये हो गया, अब अगर सपोज कर लो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो इसका मतलब है बी बड़ा हो गया, तो अब बी का सी के साथ कंपेरिजन बचा देंगे, ए फिल्टर आउट हो गया, तो फिल्टर आउट होने के बाद बी का सी के साथ कंपेरिजन हो रहा है, बी अगर ग्रेटर दोनों तो बी को प्रिंट कर रहे हैं और ये सी को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कंपेयर करके, कंपेयर मतलब डिबग करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो डिबग करने के लिए अब रन करेंगे तो रन करने का जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूं आपको कि रन करने से इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये रन करने से आपको ये रिजल्ट जैसे मैं आपको रन कर रहा हूं, रन करने से ये 12 हो गया, 5 हो गया 87। तो मैंने इसको रन किया, रन करने से 87 आ रहा है। तो चलिए इसको अब दूसरा वैल्यू लेते हैं, इसमें दूसरा वैल्यू मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ 87, फिर लिख लेता हूँ 12, फिर लिख लेता हूँ 5। अब इसको रन करते तो 87। चलिए देखते हैं ये डिबग करने से इसको कैसे देखते हैं डिबगिंग। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डिबगिंग, आप ध्यान देंगे कि डिबगिंग हो कैसे रहा है और किस तरह से हम की का यूज कर दें। तो डिबगिंग जनरली हम रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 यानी कंट्रोल की के साथ F9 को जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो रन करता है। नीचे भी लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ F9 अगर हम करते हैं तो वो सीधा सीधा रन करता है, अगर खाली F9 प्रेस करेंगे तो खाली वो कंपाइल करेगा और जो भी एरर है या वो आपको शो करेगा। अगर कंट्रोल F9 भी करते हैं तो भी अगर एरर है तो वो रुक जाएगा, वो एग्जीक्यूशन पे नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं कि अगर सपोज को डिबग करना है यानी स्टेप बाय स्टेप आपको विजुलाइज करना है, देखना है कि आपका जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का वो कहां जा रहा है, तो उसके लिए हम F8 यूज करेंगे। तो वन टाइम F8 यूज करना है तो सबसे पहले कंट्रोल यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल के बिना आप सीधा सीधा F8 को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक आपका सिलेक्शन आ जाता है, उसके बाद आप F7 का यूज करेंगे।
करेंगे। तो जैसे ही मैं F7 का यूज करता हूं, तो देखिए F7 का यूज कर रहा हूं, F7 का यूज करने से एग्जीक्यूशन आपसे आ गया, एग्जीक्यूशन में आपसे डिमांड कर रहा, तो मैं वही सेम एस आपको पुट कर रहा हूं जो लास्ट किया था, 12 और 5 मैं इनपुट कर दिया। ये तीनों जो होता है एबीसी में असाइन हो गया। अब एबीसी में असाइन होने के बाद मैं आ जाता हूं सेम एज F7 को यूज करके आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं F7 को प्रेस करूंगा तो हमको मत पता है 87 और 12 में 87 बड़ा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर आएगा, और उसके बाद जो होता है 87 और 12 में 87 हाई है तो अब 5 से भी हाई है तो वो ए होगा, तो इसके बाद ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट होने के बाद सारे काम खत्म हो गए, तो किसी और ब्लॉक में ना जाके सीधा सीधा ये गेट सीएच में जाएगा। अब गेट सीएच में जाने से आप सीधा सीधा इसको आप देख सकते हो, जैसे ही गेट सीएस में गया तो ये हो गया फाइनल, और उसके बाद एग्जीक्यूशन। इसका और एक तरीका आएगा, सपोज कर लो इंटरमीडिएट रिजल्ट देखना है तो ऑल्ट प्लस F5 आप यूज करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीन दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप डिबगिंग कर सकते हैं बाई कॉम्बिनेशन ऑफ F8 वन टाइम्स एंड F7 मल्टीपल टाइम्स, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं खत्म। तो F7 के साथ ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि डिबगिंग कैसे करते हैं, और मैंने आपको बताया कि तीन नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इफ एल्स का जो नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके पास दिया हुआ है 4 नंबर। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट शुड बी द कोड, यानी यहां पे कोड क्या होगा। जैसे मैं आपको लिख देगा कोड फॉर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सो व्हाट शुड बी द कोड, ये मैं ये मैंने लिखा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं आपके ऊपर अभी छोड़ दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है और किस तरह से मैं इसको बता सकता हूं। तो कीप ऑन ट्यून, यानी आप कंटिन्यू में रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा क्या। तो तब तक मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं कि बिना अगर नेस्टेड इफ का यूज करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अगर आपके पास है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और उसका सॉल्यूशन है तो मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डेफिनेटली शेयर करूंगा आपके साथ, डिस्कस करूंगा कि कैसे करके हम उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वंस अगेन मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जितने भी स्टूडेंट है जो न्यू लर्नर है जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।